प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लिंग परिवर्तन की इस दूसरी वीडियो में लिंग पर ही कुछ और चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया था, कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, और जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनको हम वाक्य में प्रयोग करके समझ सकते हैं ये शब्द स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग हुआ है या पुल्लिंग की तरह। आइए इसके ऊपर कुछ और जानकारी डालते हैं। कुछ शब्द हमेशा के लिए पुल्लिंग ही रहते हैं, मतलब इनका लिंग नहीं बदलता। जैसे पलंग है, ताला खोलो, ताला बंद करो, कभी हम ये नहीं कहते कि ताला बंद करी, ठीक है। सोना है, सोना मतलब यहाँ धातु से लिया गया है। बगीचा है, बगीचा बहुत बड़ा है, बड़ी है नहीं बोला जाता। यह पहाड़ कितना ऊंचा है। झरना बहता है, देखो झरना की बात कर रही हूँ तो बहता है, और अगर मैं नदी की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी नदी बहती है, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आम का पेड़ बहुत बड़ा है, यह पेड़ कितनी दूर है। दूध का रंग सफ़ेद होता है, नहीं, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि दूध का रंग सफ़ेद होती है। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमने अभी बात करी, जो हमेशा पुल्लिंग की तरह इस्तेमाल होते हैं। कुछ और शब्द भी लेंगे हम। ये देखिए, देशों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, कुछ एक दो वृक्षों को छोड़ दिया जाए, जैसे इमली के पेड़ को छोड़ दिया जाए या मौलसरी के पेड़ को छोड़ दिया जाए, तो मोस्टली जितने भी वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, इनके नाम पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ मैंने उदाहरण लिया, जैसे भारत देश है, सोमवार दिनों के नाम है, फरवरी महीने का नाम है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, जैसे कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसको हम स्त्रीलिंग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बुधवार है, बरगद का वृक्ष है, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, खड़ा हिमालय बता रहा है, कभी हम ये नहीं कह रहे बता रही है। अरावली का पेड़ सबसे जो है भारत की सबसे पुरातन पर्वतमाला में से एक है। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा स्त्रीलिंग की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे मोस्टली ये, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था स्त्रीलिंग में ई की मात्रा लगती है ना, तो हम इन शब्दों की पहचान भी आसानी से कर लेंगे। कैसे, कुर्सी, देखो ई की मात्रा आ रही है, सर्दी, ई की मात्रा आ रही है, गर्मी, यहाँ भी ई की मात्रा है, दिल्ली, ई की यानी कि इकांत शब्द है, ई की मात्रा पर अंत होने वाले शब्द है, नदी, गिलहरी, तितली। अब हम कुछ और बात करते हैं, नदियों के नाम अगर कहा जाए तो ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। एक नदी का नाम मुझे याद आ रहा है जो पुल्लिंग की तरह इस्तेमाल होता है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को पुल्लिंग का दर्जा दिया गया है, और ये कहाँ से निकलती है, ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। लिपि जितनी भी होती हैं, देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। भाषाएँ जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, अब देखो यहाँ पर मैंने नदियों का नाम लिया, गंगा, यमुना, गोदावरी, यहाँ भाषा लिया है, यहाँ पे भाषा लिया है और यहाँ तिथि लिखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ लिंग आधारित अभ्यास पत्रावली करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है लिंग बदल कर लिखो। ये वाक्यों में आ जाता है और मेधावी में भी एक या दो बार पूछा गया है। लिंग बदल कर लिखना है तो पहला है कि मालिक नौकर को डांट रहा है। देखो इसमें मालिक शब्द का लिंग बदलना है, तो हम यहाँ पर मालिक शब्द का लिंग बदलेंगे और लिख देंगे मालकिन नौकर को डांट रही है, ठीक है, मालकिन नौकर को डांट रही है। अगला है पंडित जी ने रामायण पढ़ी, तो हमने लिंग बदल दिया है पंडित का, पंडिताइन जी ने रामायण पढ़ी। तीसरा है हाथी पानी पी रहा है, हाथी का लिंग बदलो, स्त्रीलिंग कर दिया है, हथिनी पानी पी रही है। नेक्स्ट, इस लेखिका की कहानी बहुत अच्छी है, तो इसमें हमने लेखिका शब्द क्योंकि स्त्रीलिंग है इसको पुल्लिंग में बदल दिया है, इस लेखक की कहानी बहुत अच्छी है। पांचवा है चुईया बाग में थी, तो इसका हमने लिंग परिवर्तन कर दिया है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दिया है, तो अब हम लिखेंगे चूहा बाग में था। तो ये हमारा प्रश्न नंबर एक हो गया है। अगले प्रश्न पर जाते हैं, और अब हम इन कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इनके लिंग क्या है। देखो मैंने कल बताया था अपनी वीडियो में कि अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का शब्द से ज्ञान नहीं होता तो हमें वाक्यों से पहचान करनी होती है कि ये किस तरह से प्रयोग हुआ है। चलिए देखो, बाग में माली काम कर रहा है, देखो दो जगह इसकी निशानी होगी, माली से भी पता चल जाएगा और उसकी क्रिया से भी पता चल जाएगा। तो माली काम कर रहा है तो ये आ जाएगा हमारा पुल्लिंग। नेक्स्ट है मेरी मौसी जी बाजार गई हैं, देखो यहाँ गई है भी आ रहा है, मौसी जी भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, धोबी कपड़े धोता है, धोबी भी है और धोता भी है, दो बार कंफर्म हो गया, तो ये आ गया आपका पुल्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कवि ने मधुर कविता सुनाई, अब देखो कविता के लिए सुनाई होगा बट यहाँ पर कवि है तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कवि है यहाँ पर, कवि जो होता है वो पुल्लिंग शब्द का द्योतक होता है, तो हम यहाँ पर पुल्लिंग लिखेंगे। नेक्स्ट है छात्र ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो छात्र को देखकर अगर हम करें तो ये आ जाएगा आपका पुल्लिंग में। लड़का खाना खा रहा है, ये भी हमारा पुल्लिंग वाक्य है। पृथ्वी घूमती है, अगर हमें पृथ्वी से समझ में नहीं आ रहा, हम वाक्य को देखेंगे, घूमती है, तो ये हमारा आ जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है नीम हवा को शुद्ध करता है, पुल्लिंग है।
क्रिया से भी पहचान हो गई है। यह कटोरी चांदी की है। देखो यहाँ कटोरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ई की मात्रा है, इकान शब्द है, तो ये जो होगा बच्चों ये स्त्रीलिंग होगा। अगर कटोरा होता, यह कटोरा चांदी का है इस्तेमाल होता तब वो पुल्लिंग होता। इस मादा चीता के दो शावक हैं, तो यहाँ मादा चीता शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो मादा चीता जो होता है ये स्त्रीलिंग को दिखाता है। होप सो आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। हम अगले भाग पर आते हैं। यहाँ 6 चित्र दिए हुए हैं, चित्रों को देखकर आपने पहचानना है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, आप इसको वाक्य में प्रयोग करिए। हाँ जी, वाक्य में प्रयुक्त करिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये वाक्य में किस तरह से प्रयोग हुआ है। जैसे हम पंखा है, पंखा चल रहा है, पंखा बिजली से चलता है, तो हम इसको चलती है नहीं लगाएंगे, तो पंखा हमारा क्या आ जाएगा, पंखा हमारा पुल्लिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है कुर्सी। कुर्सी लकड़ी की बनी है, कुर्सी लकड़ी की बनी है, तो कुर्सी जो है क्योंकि ई मात्रा पर खत्म होता है, इकान शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है घास। घास लंबी है, घास लंबा है नहीं बोलते हैं, घास लंबी है या घास हरी है, हरा है भी नहीं बोलते हैं, तो घास भी हमारा स्त्रीलिंग है। आपको वाक्य में प्रयोग करना और फिर जानना है। देखो सीटी बजती है, सीटी बजता है नहीं होता, सीटी बजती है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, स्त्रीलिंग वाक्य में प्रयोग करेंगे। घड़ी टिक टिक करती है, ठीक है, मेज पर घड़ी रखी है, तो जब हम घड़ी की चर्चा करेंगे तो ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द आ जाएगा। नेक्स्ट आता है चांद। चांद रात को चमकता है, तो चांद के लिए हम पुल्लिंग शब्द इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं चांदनी की बात करूं, क्योंकि उसमें इकान शब्द है, ई की मात्रा पे खत्म हो रहा है, तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। नेक्स्ट आता है पुरुष और स्त्री जाति के शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। ये काम आप कॉपी में कर सकते हैं। इसमें हम पहले पुल्लिंग शब्द को सर्कल करेंगे। चाचा पुल्लिंग है, सिंहनी स्त्रीलिंग है, लेखक पुल्लिंग है, कवित्री स्त्रीलिंग है, शिक्षक पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है, नानी स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, सुनार पुल्लिंग है, शिष्या स्त्रीलिंग है, सेवक पुल्लिंग है, ग्वालिन स्त्रीलिंग है, गुजराती भाषा है ये, मैंने बताया था भाषाएं किसमें होती हैं, वो स्त्रीलिंग कहलाती हैं। बुढ़ापा आया है, बुढ़ापा आई है नहीं बोलते, तो ये पुल्लिंग है। अगर ना समझ में आए तो वाक्य में प्रयोग कर लेना। पानी गिरता है, पानी चलता है, तो ये भी पुल्लिंग में आएगा। बालक देखने से ही लग रहा है पुल्लिंग है। तपस्वी, अब यहाँ तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तपस्वी का क्या करना है, तपस्वी कौन होता है, जो तपस्या करता है, अब उसके लिए हम उसका वाक्य बना लेंगे। तपस्वी तप करता है, करती है नहीं, करती होता तपस्विनी होता, ठीक है, तो तपस्वी भी एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, भारत का अपना झंडा होता है या होती है, होता है, तो ये सब पुल्लिंग शब्द को दिखाएगा, तो भारत भी देशों के नाम में पुल्लिंग ही आता है, एक दो देश छोड़ दिए जाए तो। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज में क्या करना है, संज्ञा का सही रूप चुनकर वाक्य को पूरा करना है। आप चाहो तो इसे आप अपनी कॉपी में भी उतार लो। आशा जी महान गायिका हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखना है क्या इस्तेमाल हुआ है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। नेहा जी, नेहा जी का नाम से स्पष्ट है कि स्त्रीलिंग है, तो ये विदुषी महिला है। मेरी डैश गर्ल आएंगी, देखो आएंगी शब्द है, अगर पहले से पता नहीं चलता तो वाक्य के अंत में देखो आएंगी, तो इसमें क्या आएगा, जेठ या जेठानी, जेठानी। डैश महल में पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, इससे पता चल रहा है वाक्य कौन सा है, पुल्लिंग वाला, क्रिया को देख के पहचान होती है, तो यहाँ आएगा सम्राट, सम्राज्ञी मत लिख लेना। हम अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। बंदरिया नाच, आगे क्या आएगा बच्चों, बंदरिया स्त्रीलिंग है, तो आएगा नाच रही है। अगला है तितली, तितली इकांत पे खत्म होता है, ई पर खत्म होने वाला शब्द है, तो ये भी क्या आएगा, उड़ती है। तीसरा है पर्वत डैश है, अब पर्वत जो होता है मैंने बताया था पहाड़ के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं, तो पर्वत ऊंचा है, ऊंची यानी होगा, अगर मैं पहाड़ी बोलूं, ध्यान से सुनो, पहाड़ी बोलूं तब तुम बोलोगे ये पहाड़ी ऊंची है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल। माउंटेन ऊंचा होता है, 600 मीटर से ऊपर की जितनी भी पहाड़ होते हैं उनको हम माउंटेन्स कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, और जिनकी हाइट 600 मीटर से कम की होती है उनको हम पहाड़ी कहते हैं, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। कुम्हार बर्तन बनाता है, पुल्लिंग है ये। अध्यापक भाषाओं के नाम पढ़ाता है, क्योंकि अध्यापक है, अध्यापिका नहीं है। आज मैंने नई फ्रॉक, अब फ्रॉक लड़का तो पहनेगा नहीं, तो क्या होगा, पहनी है। वाक्य को देखिए, समझिए और फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान कीजिए। हमने मोमबत्ती, क्या होगा, जलाया या जलाई, जलाई। मोमबत्ती ई पर खत्म हो रहा है, स्त्रीलिंग है। मूर्ति ई पर खत्म हो रहा है, नीचे गिरकर टूट गई। हमें बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए, सेवा शब्द आ रहा है, सेवा स्त्रीलिंग में आता है। हवा का तेज झोंका आया, तो इसमें आई नहीं आएगा। चलिए अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करके देखेंगे। ये मैंने अपनी कक्षा में भी कराया है, बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया था क्लास में काम, उसमें से कॉपी कर ले। तो सबसे पहले हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। चाचा पहली लाइन में आ गया, उसका आ गया चाची, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, लेखक,
और उसका क्या बन गया, लेखिका आ गया। एक बच्चे ने ढूंढा था नथ, नथ पहनी है तो ये स्त्रीलिंग में जाएगा, ठीक है। जनता, जनता बाहर खड़ी है, जनता स्त्रीलिंग। बकरी, ठीक है, तो यहां से बकरा शब्द भी आ सकता है, बकरा, बकरी, बकरा। कपड़ा, कमीज, ठीक है। मीन, मीता, ये सब स्त्रीलिंग शब्द में जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली वर्ग पहेली की ओर। चलिए इस वर्ग पहेली में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द ढूंढते हैं। ये देखिए, ये पुत्र, फिर गायक, अध्यापिका, लाला, ठकुराइन, नेता, पिता, माँ। चलिए बढ़ते हैं अगली वर्ग पहेली की ओर। यहाँ पर देखिए, ये आ गया विद्वान, और ये आ गया विदुषी, सुनार, सुनारिन, सुनारिन आ गया। उसके बाद मामी, मामा, शेर, वीरांगना, वीर का होता है वीरांगना, लेखक। चलिए अब हम आज के आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। ये एक वर्ग पहेली मैंने अपने हाथों से बनाई है, और यहाँ कुछ पुल्लिंग शब्द हैं, इनके स्त्रीलिंग शब्द हमने वर्ग पहेली में से ढूंढने हैं, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं। नर, नर का हो जाएगा नारी, युवक का हो जाएगा यहाँ पे ढूंढेंगे युवती, तेली का हो जाएगा तेलिन, विद्वान का हो जाएगा विदुषी, कुत्ता का हो जाएगा कुतिया, गुड्डा का हो जाएगा गुड़िया, देव का हो जाएगा देवी, वीर का हो जाएगा वीरांगना, ये रहा हमारा वीरांगना, पुजारी का हो जाएगा पुजारिन। तो होप सो आप बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमने लिंग कितने प्रकार के होते हैं, और लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं, और अगर हमें ऐसे पहचान नहीं आती तो हमें वाक्य भी लिंग का प्रयोग करना बता देता है, और वर्ग पहेली में से लिंग कैसे ढूंढे जाते हैं। तो बच्चों, लिंग बदलो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और आप, मुझे लग रहा है, पूरा विश्वास है कि आप पेपर में कोई भी गलती नहीं करेंगे, और इस वीडियो में जितना भी वर्क आया है उसे अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लें।